हाय दोस्तों, मेरा नाम है मयूर वर्मा और आप मुझे देख रहे हैं navaratime.com में। जब मैं उस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया कि एक नया शो आ रहा है, मुझसे शादी करोगी, और वो 17 तारीख से शुरू हो रहा है। तो मैं टेंशन में आ गया कि आज 13 तारीख और 17 तारीख से शो में एंट्री है, कैसे होगा। तो मैंने बोला हाँ मैं करूँगा। मैं प्रोडक्शन हाउस में गया, मैंने मीटिंग की, तो मैं अगले दिन तक फाइनल हो गया था। फिर उसके बाद एक प्रेशर इतना आ गया था कि मुझे 4-5 दिन के अंदर सब कुछ वाइंड अप करना, अपना काम ये वगैरह सब कुछ, तो प्रेशर था। फिर वो मैंने फटाफट सब कुछ समेटा, अपने भाई को बोला, सब कुछ किया, फिर उसके बाद मैं शो के अंदर एंट्री किया। मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था क्योंकि टाइटल मुझसे शादी करोगी था, तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर था। उन्होंने बता दिया था कि आप शहनाज के लिए जा रहे हो तो आपको उसको इम्प्रेस करना है, और जो भी इम्प्रेस करेगा तो लास्ट में उसकी हम उसके साथ शादी करवाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं है क्योंकि मैं शो के अंदर सारों के साथ खुश रहता था, मस्ती करता था, बिंदास रहता था। मेरी शो में किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे लोग थे और आज भी हमारी उनके साथ दोस्ती बरकरार है। देखिए, जो जसलीन के साथ मेरा रिलेशन था वो एज ए फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर के अंदर बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, हम बहुत ही खुश रहते थे और हम एक दूसरे का कोई भी बात कर सकते थे। और कई मोमेंट ऐसे आए थे जहाँ पे लड़कियाँ जलन करनी शुरू हो गई थी कि ये पारस के लिए आई है, ये मयूर के पास चली गई। मैंने उसका हाथ भी पकड़ा, वहाँ पे फोरहेड पे किस भी किया, गले भी लगाया। वो मेरे साथ बेड पे भी बैठी रहती थी, हम बातें करते थे, बट घर वालों ने कुछ अलग ही समझ लिया था कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो मैंने वो शो के दौरान भी क्लियर की थी कि ये मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड का अगर हाथ पकड़ना गलत है या फोरहेड पे किस करना गलत है, फिर तो घर के अंदर लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही थी। तो मैंने उसके ऊपर पूरा मुद्दा उठाया था कि मेरी दोस्त है, और जसलीन ने भी बोला था कि मेरा दोस्त है, ये लाइकिंग है, अट्रैक्शन है, सब कुछ ठीक है, बट प्यार नहीं है। तो मैंने वो सब क्लियर किया। एक टास्क हुआ था ना पारस के साथ, टास्क हुआ था, तो उस वक्त पारस को उसको सेव कर लेना चाहिए था क्योंकि उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था उस दिन। मेरा भी डांस परफॉर्मेंस था और जसलीन का भी था पारस के साथ, और मेरा शहनाज के साथ था, तो उसको सेव कर लेना चाहिए था। अगर वो सेव कर लेता तो वो लास्ट तक शो में टिकती। नहीं, पारस कई टाइम मुझे लगा था वो इनसिक्योर है, बट कुछ समय बाद जब मैंने उसको समझाया था, पारस ऐसा कुछ भी नहीं, अगर मुझे प्यार होगा मैं सामने से बोलूँगा, अभी मेरी दोस्त है, तो कुछ भी अपने मन में गलत मत समझना। बट वो पारस की एक छोटी सी गलती हो गई थी जो उसने जसलीन को सेफ नहीं किया, अगर किया होता वो शो के लास्ट तक रहती। मैं पारस से तो नहीं मिला, बाकी सब दोस्त बलराज, अंकिता, हीना, जसलीन, हम सारे शहबाज के साथ मैं होता हूँ, तो हम सब मिलते हैं, मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। मेरे आगे कोई कॉम्पिटिटर नहीं, मैं सीधा सब बोलता हूँ। मैं अपनी आप जो मेरे दिल में आता है मैं वो करता हूँ, मैं गेम बना के नहीं करता, जो मेरे दिल में होता है मैं वही करता हूँ और मुझे वही अच्छा लगता है। मेरे लिए मेरा कोई कॉम्पिटिटर मेरे सामने आ नहीं सकता। हीना मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, आपने अगर पूरे शो में देखा होगा हमारी कट टू कट बात होती थी, कभी फालतू गिरी नहीं होती थी, सीधी सी बात है। और बहुत ही अच्छी दोस्त है जो एज ए शो के अंदर आए थे, तो हमने दोस्ती बनाई। और लास्ट में अगर मुझे शिवानी का नाम लिया, और मैंने वो दिल से नाम लिया क्योंकि जो मेरे दिल में वो ही बोलूँगा ना, मैं किसी का दिल रखने के लिए मैं कोई चीज़ें नहीं करता। लोगों को उम्मीद होगी कि मयूर हीना का नाम लेने वाला, मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरा जब उसके साथ है ही दोस्ती, तो मैं वहाँ पे वो प्यार में क्यों तब्दील करूँ। जब मुझे शिवानी अच्छी लगी तो मैंने शिवानी का नाम लिया, मयूर एंड शिवानी। बाहर आने के बाद शिवानी से कुछ बातचीत हुई? हाँ, मेरी बात हुई, हम लाइव में भी आए थे, हमारी फ़ोन पर भी बात हुई, इंस्टाग्राम में भी बात हुई, बहुत ही अच्छी बातें हुई। और जब लास्ट डे था, जब हम घर जा रहे थे, शिवानी मेरे साथ ही थी गाड़ी में, तो हमारी बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छे मोमेंट्स थे, और काफ़ी मैंने उसको समझाया भी, और बस।